नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एसटी फॉर सक्सेस में। तो आज एसएससी सीएसएल 6 अगस्त का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम जो है वो समाप्त हो चुका है और इसके जितने भी सारे जीके के क्वेश्चन हैं मैं आप लोग के सामने लाया हूं और इसमें जितने भी सारे क्वेश्चन हैं वो सारे जीनियन और ऑथेंटिक क्वेश्चन हैं। अगर आप किसी के संपर्क में हों जो एग्ज़ाम दिए हों आप उससे पता कर सकते हैं। तो चलिए पहला सवाल की ओर चलते हैं। तो पहला सवाल ये है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में जीडीपी का कितना प्रतिशत है? तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में जीडीपी का 6% है। कितना प्रतिशत है? 6% है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में। फिर 1612 ईस्वी में अंग्रेज किसके साथ गृह युद्ध किए थे? शिवाली का युद्ध, यानी वो जो है 1612 जो ईस्वी में हुआ था अंग्रेज ने युद्ध जो किया था गृह युद्ध वो था शिवाली का युद्ध। अगला क्वेश्चन है, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में प्रथम स्थान पर कौन है? प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में प्रथम स्थान पर आपका नॉर्वे है और भारत का जो रैंकिंग है उसमें आपका 142 है, यानी प्रथम स्थान पर है आपका नॉर्वे और भारत का रैंकिंग है 142। टेस्ट में सबसे ज़्यादा भारत के लिए विकेट लेने वाले कौन से प्लेयर हैं? वो है आपके अनिल कुंबले, यानी वो टेस्ट में सबसे ज़्यादा विकेट लिए हैं। कॉमनवेल्थ गेम में भारत को कितने मेडल मिले थे? तो कॉमनवेल्थ गेम में भारत को टोटल 66 मेडल मिले थे जिसमें से आपके 22 गोल्ड मेडल थे। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना कब शुरुआत की गई थी? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जो है वो आपका 1 जुलाई 2015 ईस्वी को शुरुआत की गई थी। नाइट ब्लाइंडनेस किसकी कमी से होता है? नाइट ब्लाइंडनेस जो है आपको वो विटामिन ए की कमी से होता है। नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए की कमी से होता है। लोकसभा शुरू होने से पहले उसको कौन संभालता है? तो लोकसभा शुरू होने से पहले उसको स्पीकर संभालता है। कौन संभालता है? स्पीकर। स्वर्ण मंदिर कहाँ है? तो आपका स्वर्ण मंदिर जो है आपका अमृतसर में है, उसे आपको स्वर्ण मंदिर को आपको गोल्डन टेंपल भी बोला जाता है इंग्लिश में। दिलीप कुमार द सब्सटेंस एंड द शैडो पुस्तक के लेखक कौन है? उसके लेखक है आपके उदय तारा। कौन है? उदय तारा। लास्ट क्वेश्चन आपका ये हो गया, वर्ल्ड कम्पिटेटिव इंडेक्स में 2019 में भारत की रैंक कितनी थी? वर्ल्ड कम्पिटेटिव इंडेक्स 2019 में भारत की रैंक थी 43। इसमें भी कुछ ही सवाल मुझे मिले हैं जो आप लोग को मैं अपडेट दे दिया, बाकी जैसे सवाल मुझे मिलते हैं मैं आप लोग को न्यू वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। अगर गाइस आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और इसका PDF मेरे टेलीग्राम ग्रुप लिंक में मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और अगर आप चाहते हैं एसएससी सीएचएसएल 5 अगस्त की जितने भी सारे शिफ्ट के एनालिसिस है उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां जाके 5 अगस्त की शिफ्ट की एनालिसिस देख सकते हैं। थैंक यू गाइस। जय हिंद, जय भारत।